वेलकम टू मिलन। मिलन में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च, सेशन नंबर 11, टॉपिक इन्वेंटरी कंट्रोल। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, इंट्रोडक्शन, इन्वेंटरी एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी, फंक्शंस ऑफ इन्वेंटरी, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग inventory. And our introduction: inventory is simply a stock of physical assets having economic value, which can be either in form of material, money or labor. देखिए inventory क्या होता है। actually inventory हम stock को कहते हैं और stock physical assets का होता है। जैसे कि किसी भी manufacturing organization के अंदर चार तरह की inventory होती है। एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ WIP, अदर स्पेयर्स एंड टूल्स, एंड लास्ट जो है फिनिश्ड स्टॉक होता है। तो इन्वेंट्री इज ऑल्सो नोन एज द आइडल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज इट इज नॉट यूटिलाइज। इन्वेंट्री मे बी रिगार्डेड एज दोज गुड्स विच आर प्रिकॉर्ड, स्टोर्ड एंड यूज फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इन्वेंट्री वर्ड से हम ये जान सकते हैं कि इसके अंदर डे टू डे मटेरियल आता है जिसको हम स्टोर करते हैं, प्रिक्योर करते हैं और डे टू डे फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। इन्वेंट्रीज आर व्यूड एज ए लार्ज पोटेंशियल रिस्क रेदर देन एज मेजर ऑफ द वेल्थ ड्यू टू द फास्ट डेवलपमेंट एंड चेंज इन प्रोडक्ट लाइफ। इन्वेंट्री के अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा जो कॉस्ट एसोसिएट होती है टूडे सिनारियो में वो इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है। एक सर्वे के अनुसार ये माना गया है कि 60-70% ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री की आती है। द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हैज नेसेसिटेटेड द यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक आइटम्स एट डिजायर्ड लेवल। नाउ इन्वेंट्री इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी फैसेट ऑफ बिजनेस लाइफ। विदाउट इट नो बिजनेस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड, वेदर इट बीइंग ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल्स एंड बैंक एक्सेट्रा, और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वेंट्री होती है जिसके बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चलना पॉसिबल नहीं होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडिंग एक्टिविटी हो या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, सब में ही कुछ ना कुछ स्टॉक की आवश्यकता होती है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग इन्वेंट्रीज आर रिफ्लेक्टेड बाय वे ऑफ ए कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट्स। एंड आवर इन्वेंट्री टू, इस तरह से इन्वेंट्री का प्रोसेस होता है, इनपुट देन इन्वेंट्री देन कन्वर्जन प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री स्टॉक पॉइंट्स देन आउटपुट। और जब आउटपुट होता है तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन विद द एक्चुअल मटेरियल स्टॉक लेवल्स टू द प्लांट स्टॉक लेवल, और ये एक्टिविटी आपकी वेरिएंस एनालिसिस कहलाती है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू की जाती है। और उसके बाद में प्रोडक्ट इन्वेंटरी स्टॉक्स देन फीडबैक। इन्वेंटरी थ्री, इन्वेंटरी प्ले एन एसेंशियल एंड परवेसिव रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे मेक इट्स पॉसिबल टू गेट राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक एट एग्जैक्ट टाइम ऑफ नीड टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ प्रोडक्शन, टू अवॉइड द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक एट एग्जैक्ट टाइम ऑफ नीड, टू ऑर्डर लार्जर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स मटेरियल्स और कंपोनेंट फ्रॉम द सप्लायर्स एट एडवांटेजियस प्राइसेस। इन्वेंट्री फोर, टू प्रोवाइड रीजनेबल कस्टमर सर्विसेज थ्रू सप्लाइंग मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टॉक विदाउट डिले, टू मेंटेन मोर स्टेबल ऑपरेटिंग और वर्कफोर्स लेवल, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ शिपिंग इकोनॉमी, टू प्लान ओवरऑल ऑपरेशन स्ट्रेटेजी थ्रू डिकपलिंग ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस इन द चेन ऑफ एक्वायरिंग गुड्स, प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स एंड शिपिंग टू ब्रांच वेयरहाउसेज एंड फाइनली सर्विंग कस्टमर्स। इन्वेंट्री फाइव, टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन
टू फैसिलिटेट द इंटरमीटेंट प्रोडक्शन ऑफ द सबरेल प्रोडक्ट ऑन द सेम फैसिलिटी. नंबर नेक्स्ट, टू प्रोवाइड मींस अगेंस्ट हेजिंग अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस एंड डिलीवरी अनसर्टेनिटीज. एंड नंबर नेक्स्ट, टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल कैपिटल एंड स्टोरेज स्पेस. एंड नंबर नेक्स्ट, टू अचीव फेवरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री, की इन्वेंट्री को क्यों रखा जाता है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं. ओवरऑल द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री एज टू इन्वेंट्री इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी आइटम्स रनिंग इनटू थाउजेंड्स. जहां पर छोटे छोटे पार्ट्स की बात होती है, जैसे लाइक एज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, जिसको हम ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, उनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, और थाउजेंड्स पार्ट्स होते हैं. उनकी अलग अलग इन्वेंट्री के आइटम्स हमें स्टॉक में रखने होते हैं. सिस्टमेटिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री फॉर ऑल द आइटम्स इज ए चैलेंजिंग जॉब. और उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से रखना, ताकि जब जब आवश्यकता हो तो इजीली उनको जो है इश्यू किया जा सके, वो एक चैलेंजिंग जॉब का काम करता है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल आर टू मेंटेन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एट द लोएस्ट लेवल कंसिस्टेंट विद ओवर ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स. टू सप्लाई द प्रोडक्ट रॉ मटेरियल एक्सेट्रा टू इट्स यूजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स एट राइट टाइम एंड एट राइट प्राइस. टू कीप इनएक्टिव वेस्ट सरप्लस स्क्रैप एंड ऑब्सोलेट आइटम्स एट द मिनिमम लेवल. टू मिनिमाइज होल्डिंग रिप्लेसमेंट एंड शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड मैक्सिमाइज द एफिशियंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. टू ट्रीट इन्वेंट्री एज इन्वेस्टमेंट विच इज रिस्की. फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री, द बेसिक फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री इज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट. अदर बेसिक फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्रीज आर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, कि कहां कहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, डिकपलिंग, बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड एंड सेफ्टी स्टॉक, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द इन्वेंट्री होल्डिंग. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, इन्वेंट्री इज ए मेजर एरिया ऑफ एसेट्स डिप्लॉयमेंट विच शुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. द मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ कैपिटल दैट इज नोन ऑल्सो नोन एज एमईसी concept hold that a firm should invest in those alternatives that provide a greater return than capital cost to borrow. Inventory investment alternative two, like as the figures given here, accept inventory cost of capital, then reject inventory which is below of the cost of capital, then return on capital assets equal to profits upon capital assets. This implies by profit upon sales multiply sales upon capital, which is equal to profit upon sales multiply sale upon assets, and sales is cancelled by sales, then profit upon assets is a final formula. And our geographical specialization, due to factors of the production such as power, raw material, water, labor, the economical location for the manufacturing is often a considerable distance from area of demand. The manufactured goods from various locations are collected at a simple warehouse plant to assemble in the final product or to offer customers a single mixed product shipment. This provides economic specialization between manufacturing and distribution units of an enterprise. And now, decoupling. This functions of inventory is to provide maximum efficiency of operations within a single facility. Decoupling is done by breaking operations apart so that one operation supply is independent of another's supply. This decoupling function serves two purposes. First, inventories are needed to reduce the dependencies among successive stages of operations so that breakdown, material shortages, etc. A second purpose of decoupling is to let one organization unit schedule its operations independently of another. Like
दिस वन रॉ मटेरियल देन डाई कास्टिंग देन ड्रिलिंग देन डेवर्सिंग देन पैकेजिंग देन फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड ड्रिलिंग एंड पैकेजिंग ये आपके इन्वेंट्री के अंदर होते हैं और इस तरह से डिकपलिंग ऑफ द ऑपरेशंस बाय यूजिंग इन्वेंट्री होता है. बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड. बैलेंसिंग फंक्शंस कंसर्न अलाउस टाइम बिटवीन कंजम्पशन एंड मैन्युफैक्चरिंग. बैलेंसिंग इन्वेंट्री एग्जिस्ट टू रिकंसाइल सप्लाई विद डिमांड. जो बैलेंसिंग इन्वेंट्री होती है उसको सप्लाई और डिमांड से रिकंसाइल करते हैं. द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग आर सीजनल प्रोडक्शन एंड ईयर राउंड कंजम्पशन लाइक शुगर. शुगर के मैटर में क्या है, क्या होता है कि शुगर जो है एक सीजनल प्रोडक्शन एक्टिविटीज है क्योंकि यहां पर जो रॉ मटेरियल है वो सीजन में ही आपको प्राप्त होता है. इन्वेंट्रीज इन बैलेंसिंग कैपेसिटी लिंक द इकोनॉमीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विद वेरिएशंस ऑफ कंजम्पशन. सेफ्टी स्टॉक. द सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक फंक्शन कंसर्न शॉर्टेज और शॉर्ट रेंज वेरिएशन इन आइदर डिमांड और रिप्लेसमेंट. अ ग्रेट डील ऑफ इन्वेंट्री प्लानिंग इज डिवोटेड टू डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सेफ्टी स्टॉक्स. सेफ्टी स्टॉक प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज. द फर्स्ट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज इज कंसर्न्ड विद सेल्स इन एक्सेस ऑफ फोरकास्ट ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट पीरियड. द सेकेंड टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी कंसर्न डिलेज इन रिप्लेसमेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. अन इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट, सर्विस एस्पेक्ट एंड कंट्रोल एस्पेक्ट. Regarding manufacturing aspect, the inventory is classified in this one category like raw material or production inventory, work in progress, finished goods inventory, then miscellaneous inventory, then MRO inventory. Whereas in service aspect concern, load size stock, fluctuation stock, risk stock and anticipation stock. And by the aspect of control, A items inventory, B items inventory, C items inventory. इस तरह से हम control के according इसको classify कर सकते हैं. Manufacturing inventory. Inventory held by a manufacturing concern is mainly of five types. Production inventory. Items going into final product such as raw materials, components and sub-assemblies purchased from outside form production inventories. And then work in progress inventory. Under this all, items in semi-finished form or products at different stages of production. That means, जब हमें कुछ और करना बकाया होता है, finalization करने के लिए, तो हम जो है work in progress उस inventory को या उस goods को work in progress कहते हैं. Finished goods inventory. This includes the product ready for dispatch to users or to distributor or to sales. जब सेल्स के लिए स्टॉक हमारे पास तैयार होता है, गुड्स तैयार होता है, तो ऐसे गुड्स को हम फिनिश गुड्स कहते हैं. एमआरओ इन्वेंटरी दैट मींस मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज लाइक स्पेयर पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स व्हिच डू नॉट गो इनटू फाइनल प्रोडक्ट बट आर कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड आवर मिसलेनियस इन्वेंटरी आइटम्स सच एज स्क्रैप obsolete and unsellable product arising from main product productions etc is known as miscellaneous inventory. जो ऊपर वाले जितने भी inventory हैं उनको छोड़ करके अगर और हम किसी goods को stock में रखना चाहते हैं तो वो हमारा miscellaneous कहलाता है. And now service inventory. Lot size. This means purchasing in lots. This is resorted to obtain quantity discount, reduce transportation and purchase cost and minimize handling and receiving cost. ये हमारा पर्पज होता है लॉट साइड बनाने का. देन सर्विस इन्वेंट्रीज लाइक एंटीसिपेशन स्टॉक. दीज आर कैप्ट टू मीट प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन डिमांड और इन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. फ्लक्चुएशन स्टॉक. दीज आर कैरीड टू इंश्योर रेडी सप्लाई टू कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स इन द फेस ऑफ इरेगुलर फ्लक्चुएशन इन देयर डिमांड. रिस्क स्टॉक. दीज आर द आइटम्स नीडेड टू इंश्योर दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ कंप्लीट breakdown of production. Control of inventory.
A good start in AGZA mining and inventory control system is to make ABC classification. It is known as ABC analysis, which means the control will be available better if we start with ABC of inventory. अगर हम कॉस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एबीसी एनालिसिस जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है. दैट मीन्स हम एक्टिविटी के बेस पर जो है स्टॉक को मैनेज करते हैं. दिस कंसेप्ट डिवाइडेड इन्वेंट्रीज इनटू थ्री ग्रुपिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द आइटम्स एंड परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू लाइक कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज 10% 70% वैल्यू के अकॉर्डिंग एंड क्वांटिटी 10% बी में 20% क्वांटिटी होगी 20% उसकी वैल्यू होगी सी में 70% क्वांटिटी होगी बट इट हैज ओनली 10% ऑफ द वैल्यू इन टर्म्स. तो इस तरह से आपको फिगर दिख रहा है. जैसे ए आइटम्स का जो बार है डायग्राम वो काफी लंबा है बी का छोटा है और सी का उससे भी कम है. कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री थ्री एबीसी क्लासिफिकेशन कपल्ड विद बीईडी क्लासिफिकेशन वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनहेंसेस द एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल ऑन इन्वेंट्रीज. इट मे बी नोटेड दैट एबीसी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ प्रोपोर्शनेट वैल्यू व्हाइल बीईडी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जजमेंट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा. कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री एबीसी दिस वन एबीसीडी एंड बीईडी क्लासिफिकेशन वैल्यू एक्सप्रेशन परसेंटेज अ पर्टिकुलर केसेस. नाउ फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेंट्रीज इकोनॉमिक पैरामीटर्स परचेज प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द आइटम इज द सम पेड टू द सप्लायर फॉर द आइटम रिसीव्ड और द डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफ प्रोड्यूस्ड. सेलिंग प्राइस द यूनिट सेलिंग प्राइस मे बी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल डिपेंड अपॉन वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट इज अलाउड और नॉट. प्रोक्योरमेंट कॉस्ट दीज कॉस्ट आर दोज इनकर्ड बाई प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर नॉन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट. कैरियंग और होल्डिंग कॉस्ट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कैरियंग ऑफ स्टॉक ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट और पोजिशन कॉस्ट. नेक्स्ट इज शॉर्टेज कॉस्ट दीज आर पेनल्टी कॉस्ट इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक वेन द कमोडिटी इज नीडेड. वन फॉर्म ऑफ दीज कॉस्ट इज नॉन एज बैक ऑर्डर ऑन द सेलिंग साइड. फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेंट्रीज स्टोरेज कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग साइड एंड सेलिंग साइड. मैन्युफैक्चरिंग साइड कॉस्ट ऑफ बैकलॉगिंग एंड कॉस्ट ऑफ नो बैकलॉगिंग एंड सेलिंग साइड बैक ऑर्डर कॉस्ट एंड लॉस्ट सेल्स कॉस्ट. नेक्स्ट फैक्टर इज डिमांड. द डिमांड पैटर्न ऑफ अ कमोडिटी मे बी आइदर डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक. In the deterministic case, it is assumed that the quantity needed over subsequent period of time are known with certainty. This may be expressed over equal period of time in terms of known constant demand or in terms of known variable demands. The two cases are referred to as static and dynamic demand respectively. Ordering cycle. This is concerned with the time measurement of inventory situation and ordering cycle may be identified by the time period between two successive placement of orders. The latter may be initiated in one of two ways, continuous review and periodic review. And our deliver lag or lag time. The time between the placement of the requisitions for an item and its receipt for actual use is called delivery lag or lead time. Time horizon. This is also known as the planning period over which inventory is to be controlled. The planning period may be finite or infinite. Dono tarah ka ho sakta hai. And now number of supply. Echelons. There may be several stocking points in the inventory system. These points are organized such that one point act as a supply source for some other points. Factor affecting inventories like factory, then warehouse, then retailers. Then customer, that is multi-echelon supply system. Number of stages of inventory. When a part are stocked at more than one stage in the sequential production process, they are called multi-stage inventories. Number of items. An inventory system involves generally more than one commodity. The number of items held in inventory affect the situation
when these items complete for limited floor space or limited total capacity. Availability of items. Some items, sometimes supply positions is badly affected due to various market situation, which in turn affects the inventory position in an enterprises. Governments or companies policy for items to be imported as well as for other items like explosive, highly inflammable and other essential items, the government has laid down same policy norms. And now questions, do it yourself. Question number 1, define inventory, and question number 2, list factors affecting inventory, and that's it from session number 11, part A. Thank you.